लोकसभा के बाद मोदी सरकार ने आज राज्यसभा में भी बिल को पेश कर दिया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री ने बिल को सदन में पेश किया और इसे पूर्वोत्तर के लोगों की बेहतरी वाला बिल बताया, जबकि विपक्ष इसे पूर्वोत्तर के नस्लीय सफाई का प्रयास बता रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और आरजेडी ने इसे लेकर अब सरकार को घेरा है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर एक तरफ संसद के उच्च सदन में हाहाकार मचा है, तो वहीं सदन के बाहर भी सरकार और विपक्ष में तू-तू मैं-मैं जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए जहां विपक्ष पर बरस रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसे पूर्वोत्तर के नस्लीय सफाई का प्रयास बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, नागरिकता विधेयक मोदी शाह सरकार की ओर से पूर्वोत्तर के नस्लीय सफाई का प्रयास है। यह पूर्वोत्तर के लोगों, उनके जीवन पद्धति और भारत के विचार पर आघात है। पूर्वोत्तर के लोगों के साथ मैं खड़ा हूं और उनकी सेवा के लिए हाजिर हूं। जहां कांग्रेस इस विधेयक को असंवैधानिक बता रही है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने भी इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि हम देश को इजराइल बनने नहीं देंगे। इस बिल में धर्म के आधार पर जो टू नेशन थ्योरी दी गई है, वह गलत तरीका है। आरजेडी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी के सीएबी जैसे कदम ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक फूल साबित होंगे। वैसे सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी बिल की जमकर मुखालफत हो रही है। आज भी असम से लेकर त्रिपुरा में बिल के खिलाफ लोग सड़क पर हैं, लेकिन सरकार तो अलग ही राह अलाप रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।